हाय गाइस, ओ सॉरी, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम मुस्कान कालरा, एंड इफ यू आर सीइंग माय फेस फॉर द फर्स्ट टाइम देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ताकि मैं अगली बार जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे मैं सुपर डुपर एक्टिव हूँ. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या आपने नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले फॉलो कर लो. मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ये व्लॉग, मतलब हाँ, काइंड ऑफ व्लॉग है. सो आई एम गोइंग फॉर छोटा सा पैम्परिंग सेशन. बहुत टाइम से नहीं किया था, बहुत टाइम से शक्ल देखो कैसी हो रखी है. तो चलते हैं सलों, और वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. साथ में मम्मा भी जा रहे हैं. जो भी कुछ कराऊंगी तो आई शेयर विद यू गाइस. छोटा सा प्यारा सा व्लॉग होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. और एक और चीज़ गाइज, अगर कोई भी चीज़ वीडियो में बुरी लगती है, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. उससे मुझे हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत, कि क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ या क्या मैं ऑलरेडी अच्छा कर रही हूँ. तो अपने सजेशन ज़रूर देना. और अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे आप लोगों को वीडियो देखनी है, कि ये इस चीज़ पे ब्लॉग बनाओ या इस चीज़ पे कोई वीडियो बनाओ, कुछ भी, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़. क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ तो मेरे को इतने कोई आइडियाज़ आ नहीं रहे हैं. जो थोड़े बहुत आते हैं तो मैं कर देती हूँ उन्हें अपलोड. बाकी अगर हो तो प्लीज़ बताना. सो विदाउट वेस्टिंग और ज़्यादा टाइम, सीधा चलते हैं सलोन. तो आने के बाद सीधा पहले मम्मी का हेयर कट हो रहा था, वो सामने मम्मा बैठे हैं, तो उनके हेयर कट के बाद मेरी बारी है. तो अब मैंने सोचा कि हेयर कट ले लेती हूँ. तो हेयर कट मेरा स्टार्ट हो गया है. ये तो मैंने, मतलब हेयर कट कोई नहीं है, तो जो हो रखा था उन्होंने लेज़र था शायद, पता नहीं लेयर था कोई. आगे से भी ज़्यादा शॉर्ट मत करना. हाँ, लेयर कट, पता नहीं क्या ऐसे कुछ बोल रहे थे. तो फिर मैंने कहा कि हाँ वही कर दो, उन्होंने बस लेंथ ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए. तो फिर उन्होंने वही हेयर कट कर रहे हैं अभी ये. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ भी जो भी करवाऊँगी वो आई विल शेयर विद यू गाइज. बट क्या हुआ, मैंने सोचा था कि मैं पेडिक्योर करवा लूँगी और वो करा लूँगी फेस ब्लीच. तो पेडिक्योर में ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम भी क्या लगता है, तो जो मेरे बाल, तुम्हें पता है कि पार्लर में जाने के बाद, सलून में जाने के बाद घेर लेते हैं. फिर उन्होंने बोला ये ख़राब है, ये ख़राब है. तो फिर मैंने कहा जो सही लगता है आप वो कर दो. फिर मैंने वो पेडिक्योर कैंसिल कर दिया, बाल में ये सब कराया है. अब हेयर कट के बाद फिर मैंने बोला कि, उन्होंने बताया कोई ट्रीटमेंट की ये ले लो. फिर मैंने बोला कि ठीक है कर दो. तो उसके लिए वो अब हेयर वॉश के लिए आए हैं, तो ये वही हेयर वॉश कर रहे हैं अभी. तो इसके बाद उन्होंने ये शैम्पू यूज़ किया. शैम्पू के बाद जब वॉश किया, उसके बाद कंडीशनर भी किया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. टाल से थोड़ा सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का हल्का ड्राई कर रहे हैं. इसके बाद हेयर ड्रायर करेंगे. तो हेयर ड्रायर, मतलब मैंने उनसे पूछा भी था, आप आगे वीडियो में सुनेंगे कि आप हेयर ड्रायर क्यों कर रहे हो, आप तो बोल रहे थे कि ट्रीटमेंट करोगे, कोई कुछ लगाओगे. तो उन्होंने बोला कि जो मैं करूँगा उसमें पहले बाल अच्छे से खुलने चाहिए, जो भी टैंगल्स वगैरह हैं. तो इसलिए पहले हेयर ड्रायर करके उन्हें खोलूँगा, फिर उसके बाद अप्लाई करूँगा कुछ. तो इसलिए वो पहले हेयर ड्राई कर रहे हैं अच्छे से ब्रश वगैरह के साथ. ड्रायर क्यों कर रहे हैं? बोटॉक्स करते हैं ना, तो अच्छा, अलग होता है. वही मैं सोचू, मैं कह रही आप कह रहे बोटॉक्स करोगे और अब ड्रायर कर रहे हैं. तो इसका ट्रीटमेंट ही है ना?
चले गए हैं यूज़ करना बहुत सही बात है, तो अच्छे से प्रोडक्ट लगता है, हमें अच्छे से लगेगा तो रिजल्ट अच्छे से आएगा। तो अब ये ड्रायर हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, उसके बाद देखो कितने सही बाल लग रहे हैं। नॉर्मल कोई अच्छे से ड्रायर कर देना उसमें कितना सही लगने लग जाता है, एकदम फेस ही अलग लगने लग जाता है ड्रायर होने के बाद। तो अब हेयर ड्रायर ऑलमोस्ट होने के बाद, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया, उसके बाद भैया फिर से पार्टिंग कर रहे हैं बालों की। तो इसमें अब बोटॉक्स पता नहीं बोटॉक्स कुछ ऐसे ही बता रहे थे कि ये वाला ट्रीटमेंट है वही करवाया, तो उसके लिए पार्टिंग कर रहे हैं, उसकी जो क्रीम वगैरह है वो सब लगाएंगे अब इसके बाद। तो अब ये भैया वही ट्रीटमेंट की कोई क्रीम लगा रहे हैं, इसको अच्छे से लगा के पूरे बाल में कॉम करके पूरा स्प्रेड किया उन्होंने, फिर ऐसे ही सारे पूरे बालों में लगाया, मतलब पूरे सिर के अंदर। बाय चांस किसी किसी के हल्का फुल्का हीट लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले डमी होती है ना, उससे प्रैक्टिस करते हैं लोग इस चीज़ की, पहले कैसे खींचने वालों को कैसे क्या करना है, तो आइडिया होता है। आपने कितने साल सीखा है? दिन मैंने ज्यादा साल नहीं सीखा, मेरा भाई है ना जिनका सलून है वो भाई है मेरे। अच्छा अच्छा, तो इनके अकॉर्डिंग हम जल्दी सीखते हैं, वरना बहुत टाइम लगता है। उन्होंने सीखा होगा पहले, उन्होंने कोर्स किया है, हमने उनसे कोर्स किया। हां जी उन्होंने ज्यादा पर है ना, ज्यादा हां जी हां जी उनसे कोर्स पहले शुरू में तो यहाँ पे शायद नाम भी लिखा था ट्रेंड बाय जावेद मिल जाती है ना, अभी भी लिखा है ट्रेंड बाय जावेद। हां अच्छा, कलर टच सैलून है हमारा नाम। हाँ, कलर टच। हाँ, हाँ, हमसे पहले हबीब लिखा हुआ था इस सैलून पे किसी और के पास पर 5 साल पहले। अच्छा हाँ, तो जब हम शायद तब आए होंगे, स्टार्टिंग में भी आए थे हम, तो वो हबीब वालों का ही लिखा हुआ था। हाँ भैया, इतनी तो हीट लग गई, इससे सही होंगे खराब? क्योंकि प्रोडक्ट पे हीट लग रही है, और जैसे ड्रायर पे भी ये भी। आप कल देखना खराब होंगे अच्छे। अभी तो हम तुम्हें तो अपना वर्क दे रहे हैं, कुछ करना नहीं फिर सारे में जाके। तो ज़्यादा अगर जो टेंगल्स हो जाए तो फॉर्म करना है पानी। ठीक है, पानी लगने चाहिए। कल कब आना है, सुबह? कल आ जाओ 11-12 बजे तक, जब भी आना आपको टाइम हो। ठीक है, बस वॉश होएगा। हाँ, जैसे तो एक दिन बात बुलाते हैं, कोई नहीं, आप कल शाम तक भी आओगे चलेगा, कल शाम तक आ जाओ। बीच में ही रखना है, साइड में कर सकते हैं, इधर कर दो। तो आपके थोड़ी ये पार्टी से इधर में रख सकते हैं। आप गैरेज में वैसे ही रखना, तो फोन कर सकते हो नॉर्मली, बस ज़्यादा गीले हाथ होते हैं, मोस्टर होता है, नो वन नहीं करना।
फर्स्ट टाइम भी हुआ लास्ट टाइम भी हुआ। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? मेरे बाल देखे? हाँ अच्छे लग रहे हैं। क्या कहना चाहोगे बड़ा तू? कुछ आप जहाँ जाओगे वहाँ ऐसे ही छाओगे। हमने लिया, अब हम आए थे स्कूटी पे, वो भी एसी पे, अब हम जा रहे हैं वापस। वापस नहीं, सुनार की दुकान पे। किस पे? सुना क्यों? अच्छा अब हम ज्यादा अमीर है ना तो अब हम सुनार की दुकान पे जाएंगे, ठीक है? सुनार की दुकान। हम घर आ चुके हैं और कुछ ऐसे दिख रहे मेरे बाल, तो अभी ये पूरा नहीं हुआ, कल वापस जाना है हेयर वॉश कराने शाम के टाइम, और तब फाइनल रिजल्ट दिखेगा। और इससे पहले देख ही लेंगे कि कितने स्मूथ लग रहे हैं, बट अभी भी इसमें थोड़ा बहुत बचा है। और आखिर मैंने खाया है ये मेरा फेवरेट पिज्जा, ये मैं खा चुकी हूँ, दिखाना भूल गई थी, इसमें कचरा है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये मैं पूरा खा गई। ये रहा शूटर, वो रही मम्मी बाल बांध के। तो अब मुझे जा रहा है शूटर को लेके डॉक्टर के यहाँ पे, तो मैं अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तन्हा हूँ, मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं कर पाऊंगी। मैं दिखाना चाहती हूँ वहाँ पे सब चीज, पर मैं कैसे करूँ? कंपाउंडर को पकड़ा दियो। नहीं नहीं, कंपाउंडर नहीं पकड़ा, डॉक्टर को ही पकड़ा दियो। क्या मेरा व्लॉग बना दो बगैर? को तो देखेगा कौन? कुत्ते को? कुत्ते को देखने है उसको, किसी को पकड़ा दियो, बतेरे हैं सब बना देंगे। नहीं मतलब वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ, तो आके मिलती हूँ उसके बाद। तो गाइस ये है मेरा OOTD, और ये मेरे नए शूज हैं, नए शूज है ये मेरे। वीर जी आप उठ लाए ना। तो गाइस अब मैं डॉक्टर के यहाँ पर भी शूट कर पाऊंगी क्योंकि मेरे साथ कोई जा रहा है, एक फ्रेंड है, मैं अगर वो मतलब उसको सही लगेगा व्लॉग में आना, मैं पूछ लूँगी कि मैं तुझे शूट कर लूँ या नहीं, तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं किसी के साथ जा रही हूँ, तो वहाँ का भी शूट करूँगी। तो मिलते हैं आप जल्दी से चलकर डॉक्टर के यहाँ पे। शूटर की बहुत मतलब पूरे स्किन पे ना पैचेस हो गए हैं, बाल हट गए, पूरा रेडनेस, वाइट पूरा। मैं भी दिखाती हूँ ज़रा एक सेकेंड में कि क्या हो गया, क्या दिखाने जा रही हूँ। हाँ तो गाइस जैसे मैंने बताया था कि मैं किसी के साथ आई, तो मैंने पूछ लिया ये ओके है वीडियो में आने के लिए, तो हाय बोल दे। अरे मास्क तो हटा के दिखा। और ये ना शूटर, इसके लगे इंजेक्शन, तीन इंजेक्शन। किस नाम से? बाकी सब तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है, बुखार हाँ। क्या नाम है इसका? शूटर। यहाँ 21-7 है। ठीक है भाई, पिछला रिकॉर्ड एक बार मेरे को दिखा देते हैं।
ये तो जब कटवाया जब से कटवा दिए थे इसको बहुत माइनर स्टोन रहा हुआ जिससे पैसे को ब्लॉक किया ठीक है। साथ ही काम करता है तो बार बार यूरिन करता था अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे 3 बजे उठा देता है रिश्ते में करता है रैंडम ग्लूकोज लगवा लेगा कोई दिक्कत वो ऐसे डॉक्टर के आगे गुस्सा करता है ऐसे तो करवा लेगा कर ये देखो जैसे यहाँ पे हो रहा है ना ये अब ये यहाँ से हटेगा ना यहाँ पे पिंपल हो जाएगा बाल उठ जाएंगे इसको शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हैं मिलाने के लिए लास्ट टाइम मिलाया कब था शैम्पू कौन सा मिलाया 4 दिन पहले था और हर्बल है कोई हर्बल शैम्पू बंद करके उसके एक शैम्पू ले लीजिए कीटोक्लोर या माइकोनॉल है आपके पास साइड में सॉस ले लीजिएगा स्किन सेंसिटिव जिन बच्चों की है ना उनको मैं सब मेडिकेशन से उनको से यूज कीजिए आप इसको हां जी आप लिख देना मैंने दोनों लिख दिया ये देख लो देखो हट जा क्या? एक होते हैं एक होती है नॉर्मल लाइफ एक होती है मेंटोस लाइफ कि जिसके पास एक कुत्ता हो फिर दूसरा लाने का भी सोच ले और वो भी ऐसा पागल कि हमारी जिंदगी कुत्ते खानी बना दी है इस कुत्ते ने हमारी लाइफ खराब कर दी है कहीं काट लेता है कहीं काट लेता है कहीं काट लेती है गंदी लड़की अभी आए हैं हॉस्पिटल से तो मैंने जो क्लिप इससे पहले ऐड करी है ये इसको एलर्जी हो गई है रो क्यों रहा है तो यही इसको एलर्जी हो गई है इसका ट्रीटमेंट मतलब पहले से भी चल रहा है बट कोई असर नहीं हो रहा था तो जैसे जितने दिन दवाई वगैरह लगाते उतने दिन ही ठीक रहता है फिर छोड़ते ही फिर से हो जाता है ये देख लो तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना ओके गाइस सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ओके सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम बाय बाय।